दोस्तों, मैं संजय मजूमदार YouTube के दोस्तों के लिए फिर से एक आर्टिस्ट जाने माने हमारे भारत के यूसुफ यूसुफ जी को हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ है और उनके एक सोलो प्रदर्शनी चल रहा है यहाँ पर श्रीधरणी आर्ट गैलरी दिल्ली में, वहीं पर हम बैठे हुए हैं। सर हमारे साथ में हैं और हम सर से कुछ जानकारी लेंगे उनकी बहुत सालों की जो मेहनत और जो जर्नी रही है पेंटिंग और ड्राइंग की, वो जर्नी के बारे में हम जानेंगे आज। वो भारत भवन का इंचार्ज रहा है और पटना म्यूजियम का भी इंचार्ज रहा है और उनके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है उनके बारे में। मैं उनसे कुछ सवाल करके उनके वर्क के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर आप लाइंस के साथ जुड़े हुए सालों से हम जानते हैं जी, और लाइंस एक मिनिमल वे का सबसे पहला फॉर्म अगर बिंदु या डॉट से शुरू होती है उसके नेक्स्ट जगह दो बिंदु लग जाता है तक लाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लाइन की शुरुआत बहुत मिनिमल जगह से शुरू होती है और ये अगर चित्र का कोई भी मोटिव लेना चाहे तो उसमें सबसे मिनिमम में ही लाइन शुरू होती है, उससे हमारे दर्शन शुरू होती है। तो आपने इस लाइन से काफी सारी चीजों को कहना चाहा है, तो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों से ये बताएं कि आप लाइन्स के माध्यम से आप दर्शकों तक किस तरह से पहुँचना चाहते हैं। असल में लाइन का एग्जिस्टेंस नेचर में तो है नहीं, ना एब्स्ट्रैक्ट है, और क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट करता था तो एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए वो सबसे अप्रोप्रिएट एलिमेंट था लाइन। और दूसरा ये था कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में ऊपर जो लिखा रहता है उसमें ये लिखा था, ये चित्र लिखा फला फला गया, तो हमको तो ये बताया जाता है कि चित्र बनाना, चित्र लिखना नहीं बताते। तो मैंने, मेरे को बड़ा स्ट्राइक किया कि चित्र कैसे लिखा जाता है, तो चित्र लिखने के लिए लाइन की ज़रूरत लगी। जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं तो लाइन की ज़रूरत लगती है, तो ऐसे मुझे लगा कि चित्र के लिए भी लाइन की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये था कि लाइन के उसके साथ काम करते करते पता लगा कि पॉइंट के प्रोग्रेशन से लाइन बनती है, तो पॉइंट को भी हमने इंक्लूड किया और लाइन का एक सेगमेंट, उसका आदि और अंत नहीं होता लाइन का, तो उसका एक सेगमेंट भी लिया हमने। और अपने उसमें सरफेस में भी पूरी लाइन जितनी हो सकती है उतना उसका उपयोग भी किया। और मेरी लाइन में और दूसरे आर्टिस्टों की लाइन में ये फ़र्क है कि जब वो किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो लाइन सेकेंडरी हो जाती है, ऑब्जेक्ट प्राइमरी हो जाता है। मेरे इसमें लाइन लाइन ही रहती है और वो लाइन सेकेंडरी नहीं रहती, क्योंकि मैं बराबर बराबर लाइन के सेगमेंट रखता हूँ ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे जो सेगमेंट रखता हूँ लाइन के, उसके बीच में भी एक वाइट लाइन बनती है, तो वो ऐसे जनरेट करती है और वो वाइब्रेट करने लगती है, उसमें लिविंग जो है वो थिंग्स आ जाती है जिससे वो ऐसा जीवित सी लगने लगती है, धड़कने सी लगती है। और कभी कभी वाइब्रेशन इतना हो जाता है कि मुझे रुकना पड़ता है काम करने से, क्योंकि आँखें उसको उस तरह से झेल नहीं पाती। तो ये लाइन की जो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो मुझे पहले नहीं मालूम था, मगर मुझे इंडियन मिनिएचर देखने के बाद मुझे वो सारी चीज़ें समझ में आई और वो लाइन मेरे इसमें प्रोमिनेंट हो गई और उसका एक सेगमेंट भी उसके उसमें एलिमेंट की तरह आ गया, पॉइंट भी उसमें आ गया। और उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट का जो वो है लाइन का कि एब्स्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल, तो मेरे फॉर्म भी जो है एब्स्ट्रैक्ट ही आने लगे और मेरा थॉट भी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि जो फिगरेटिव आप जब काम करते हैं तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाती है आपकी इमेज, स्थिर हो जाती है। यहाँ जितने चित्र आप देख रहे हैं तो हर एक दर्शक आके मुझे अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है कि मुझे इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, तो वो किसी भी एक दर्शक के लिए एक अलग ही अलग होता है, वही चीज़ नहीं होती। मगर अगर आप फिगरेटिव देखोगे तो सारे दर्शकों के लिए वो फिगरेटिव ही होगा, मतलब आपने अगर शंकर जी बना दिया है तो वो शंकर जी ही दिखेंगे, मतलब उसमें कोई और दूसरी चीज़ नहीं दिखेगी। मगर यहाँ ये पॉसिबिलिटी है एब्स्ट्रैक्ट में कि आपको वो सेम चीज़ नहीं दिखती, कुछ फ़र्क दिखती है हर देखने वाले। और एक चीज़ आपके हर पेंटिंग में जो सिग्नेचर स्टाइल कहा जाए या जो भी है
उसमें मैं हमेशा से नोटिस किया हूँ कि अगर पैरेलल लाइंस की बहुत सिग्निफिकेंस है, आपके वर्क्स में पैरेलल लाइंस होते हैं और जो ज्योमेट्री में हमको पैरेलल लाइंस सिखाया जाता है दे आर इनफाइनाइट एंड दे कैनॉट टच ईच अदर एवर। ये एक पैरेलल लाइंस का मतलब ही होता है कि दो जो लीनियर पर्सपेक्टिव हो, लीनियर ये हो, वो एक दूसरे को कभी छूटता नहीं है। क्या आप इससे क्या दर्शना चाहते हैं, कुछ अंदर इसमें कुछ मतलब आपके कुछ इनर थॉट्स हैं इसके बारे में? इसमें भी वही तो मैं आपको बता रहा था कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच में भी एक लाइन बनती है। अच्छा। आप अगर देखेंगे तो स्पेस में एक वाइट लाइन बनती है दो लाइनों के बीच, अगर आप ध्यान से ड्राइंग देखेंगे तो उसमें भी वो एक दो लाइनें एक तीसरी लाइन को पैदा कर रही हैं। अच्छा। तो ये एक बड़ी बात है जिससे वो वाइब्रेशन होते हैं, उससे एक उसमें जो है एक डायमेंशन भी आता है। okay. इसलिए वो मुझे पैरेलल लाइन और कभी कभी वर्टिकल लाइन भी हमने यूज़ की है, मगर वो भी उसके बीच में भी एक लाइन बनती है दो लाइनों के बीच में। okay. अगर आप ध्यान से मेरे ड्राइंग देखेंगे तो हर लाइन के साथ दूसरी लाइन पैदा हो रही है। okay. और आपके कुछ चित्र में अभी मैं देख रहा था तो उसमें मुझे भास्कर या स्कल्पचर की भी फॉर्मेशन मुझे वॉल्यूम नजर आ रहा था काफी वर्क्स में, और उसमें आप में कुछ वर्क्स में वॉल्यूम्स की जो प्रेरणा है कहाँ से लाया, और कुछ में आपका टोन स्टोन का जो है उसका भी टेक्सचर नजर आता है आपके वर्क्स में कि ग्वालियर रहने के वजह से आपने काफी सारे स्टोन्स के साथ रहा होगा, तो क्या वो सब चीजें आपके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होते हैं? असल में मेरा पेंटिंग का जो नेशनल डिप्लोमा था वो ख़त्म हो गया था और घर वालों का प्रेशर था कि मैं कुछ काम धंधा करूं, नौकरी करूं, तो वो पॉसिबल नहीं था उस वक़्त कि हमको काम धंधा उस तरह से मिल जाता। तो मैंने घर वालों को समझाने के लिए स्कल्पचर का कोर्स ज्वाइन अच्छा। कर दिया और ये बताया कि भाई इसके बाद मुझे बड़ी नौकरी मिलेगी। अच्छा। ये था कि किसी तरह से हम अपना टाइम उस तरह से गुजार लें और अपने आप को स्टैंड कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो डेलिबरेट नहीं है, मतलब अनकॉन्शियसली वो आ जाता है। मुझे इन ड्राइंग्स में भी बहुत सारे स्कल्पचर दिखते हैं, अगर मैं बनाऊँ तो बड़ा स्कल्पचर, और फिर मैंने बीच बीच में कुछ कुछ किए हैं, जैसे दुमिमल गैलरी ने मुझे फेसेस दे दिए थे तो वो दोनों मैंने उस तरीके से किए थे, और मैं अभी मैंने स्विंग मशीन के ऊपर जैसे मैंने काम किया तो वो बीच बीच में कर लेता हूँ जब वो आता अंदर से, तो ऐसे डेलिब्रेटली नहीं होता, अगर अंदर से आ रहा है तो मैं ज़रूर करता हूँ, तो उसमें वो झलक दिख जाए तो कोई मतलब मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है, मतलब वो ड्राइंग को 3D भी कर सकते। मैंने 3D वो सीरीज भी किया था प्रिंट इम्प्रिंट का एक्रेलिक पे, तो ऐसे वो मतलब उससे मैं अपने को नज़दीक ही समझता हूँ, स्कल्पचर से अलग नहीं समझता, मगर वो अंदर से आता तभी करता हूँ, ऐसे नहीं करता। और मैं जहाँ तक आपको पहले से काम करते हुए देखा हूँ तो आप मिनिमल कलर्स और पैलेट बहुत लिमिटेड रखते हैं हमेशा, और यूजिंग मतलब मैंने ज़्यादातर वो कैनवास वगैरह छोड़ के आप पेन और इंक और पेपर में सीमित रहने की कोशिश करी हमेशा, तो आपने कुछ काम कौन से हटके कुछ साल पहले मैंने देखा कि आपने नया मीडियम्स मतलब कपड़े क्लोथ्स वगैरह यूज करके भी करी है, तो इस ये कौन सी आपकी नया प्रेरणा थी, किस लिए आपने करी है, और इसमें आपको मतलब अंदर की फीलिंग्स कैसे आए? असल में ये जो आप अपने आप को अगर स्थिर रखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी उसी के आसपास घूमेगी, किसी एक मीडियम के साथ आप बंधे रहेंगे या एक फॉर्म के साथ, जैसे कुछ लोग कुछ फॉर्म खोज लेते हैं तो कलर स्कीम बदलती रहती है या प्लेसिंग या स्पेस बदलती रहती है, तो मेरा ये है कि हम हर उसमें चैलेंज लें और रिस्क लेके काम करें। तो मेरे को एक रेजिडेंसी मिली थी बड़ौदा में उत्तराखंड में, तब मैंने ये एक्रेलिक शीट पे काम किया था 3D, और जिसमें क्लॉथ और स्क्रीन प्रिंट ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके वर्क किया था, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था, मगर मेरी उसमें वो सारी चीज़ें दिखती थी, वो लीनियरली जो मेरे ड्राइंग में है या किसी भी चीज़ में वो उसमें भी दिखती थी, कैनवास पर भी जैसे मैं करता हूँ तो रहती है उसमें, तो दूर से ही देख के आप
पता लगा सकते हैं कि ये मेरा यही काम है जी। वो तो है। और वो जो है उस तरह से मैंने उसको अपने इसमें बनाए रखा अपने क्रिएशन में, चाहे मैं मीडियम बदला हूँ मगर वो स्टाइल वही है। और पोस्ट कोरोना हमारे सबने कोरोना के फेज से गुजारे हैं, एक लॉकडाउन के फेज था जो अनोखा था और हमारे जिंदगी में आया, शायद ये हमारा नसीब अच्छा भी था और बुरा भी था ये हम नहीं कह सकते, मगर ये एक पीरियड था जो हम सबने एक स्ट्रगल के रूप से जिया है। उस पीरियड में आपने किस तरह का काम किया और क्या आपके अनुभव रहा उस पीरियड? मेरे को उस पीरियड में बहुत मैंने काम किया कैनवास पे, और मेरे को उसमें दो तीन कैंप रेजिडेंस के ही मिल गए, मतलब आपने रहते हुए घर में रहते हुए आप काम कर सकते हो, तो मेरा पूरा टाइम उसी में जाता था सुबह से शाम तक, कोई मिलने आता भी नहीं था और कुछ मतलब इवन होम सर्वेंट भी नहीं आते थे, तो इतनी जगह थी घर में कि आप पूरा फैल के काम कर सकते तो हाँ, तो इसलिए मैंने बहुत काम किया और बहुत काम उस दौरान जो है मैंने उसमें बने हुए कामों का शो भी जैसे एक्चुअली वही हो रहा है 23-24 तक आर्टिस्ट का इतने सोलो हो रहे हैं, मैं समझ गया कि ये सारे वो पीरियड का ही वर्क है क्योंकि इतने सारे सोलो करना एक आदमी के लिए पड़े, ऐसा कि मैं देख रहा था नॉन स्टॉप सोलो चल रहा है, मैं समझ गया कि ये लॉकडाउन पीरियड का वर्क है जो अभी निकाला जा रहा है और बहुत सुंदर काम हुआ है, हर एक से गजब का काम हुआ है। तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और आप अगर दर्शकों से कुछ दो शब्द करना चाहोगे, हमारे यंग दर्शकों से मेनली बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम करें, जितना हो सके उतना काम करें, काम के अलावा और कोई चारा नहीं है आपको इस क्षेत्र में स्थापित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपने हमारे से बातचीत की, शुक्रिया। थैंक यू। गहराई है, कहीं हल्कापन है, कहीं लाइट है तो कहीं अंधेरा है, ऐसे उसमें घूम भी सकते, मतलब अगर आप इसका वीडियो बनाना चाहें ड्राइंग का तो उसके अंदर जाके आप सी डी पे भी आ सकते हैं, तो उस तरह के ये नोटेशन है क्योंकि ये अपने भारतीय परंपरा राजस्थानी मिनिस्ट्री कला में हमेशा चित्र के ऊपर लिखा जाता है कि ये चित्र लिखा फला फला कलाकार है, तो वो चीज़ जब मैं पढ़ता था तो स्ट्राइक किया कि हमें तो ये बताया जाता है स्कूल में कि चित्र बनाना, और यहाँ तो चित्र हमारी जो परंपरा है भारतीय परंपरा है उसमें चित्र को लिखना बताया जाता है, तो ऐसे वो लाइन आ गई उसमें, लाइन आई तो उसमें जब हम फॉर्म डालने लगे तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बड़े म्यूज़िक के नज़दीक है कि अगर इनको बजाना चाहें या इनका वीडियो बनाना चाहें तो हम उसके अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो 3D भी दिखने लगेगा, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 3D दिखेगा। तो मैं हमेशा अच्छा दूसरे आर्टिस्ट क्या करते हैं लाइन का ऐसा यूज़ करते हैं कि उसको वस्तुओं को घेरते हैं लाइन से, तो लाइन सेकेंडरी हो जाती है, वस्तु प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे अगर वो कप बनाना चाहें तो कप प्रोमिनेंट हो जाए लाइन सेकेंडरी, बस शेप को गिरा नहीं है आपने शेप जैसे लाइन हमने पैदल तो पैदल लाइन आते हैं कि बीच में भी एक लाइन बन गया।